बजट सत्र समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन पहुंचे। सोलन पहुंचने पर राजीव बिंदल ने भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने जीवन में पहली बार बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने बजट को किसान, बागवान और गरीबों का हितैषी बजट बताया। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन में बजट की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने बहुत ही बेहतर बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें किसान, बागवान, गरीबों और सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस पर अभी चर्चा जारी रहेगी और सभी के विचार सुनकर बजट को 29 मार्च को पारित किया जाएगा, जिसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे भी दूर किया जाएगा। बजट की खास बात ये कि पहली बार मुख्यमंत्री ने अपने जीवन का पहला बजट प्रस्तुत किया और जैसे पहला बजट था तो अनेक प्रकार की विषय रह सकते हैं, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। जिस तरह से उन्होंने 2 घंटा 45 मिनट निरंतर बिना रुके, बिना थके, बिना पानी पिए उस बजट को रखा, वो अपने आप में काबिली तारीफ है। बहुत सारे गरीबों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, बागवानों के मुद्दे उन्होंने वहाँ पर रखे हैं उस बजट में और दिखाई देता है कि बजट अच्छा है। अब उसके ऊपर 12 तारीख से चर्चा शुरू होगी, चर्चा में सभी लोग भाग लेंगे और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसका जवाब 16 तारीख को मुख्यमंत्री देंगे और 29 तारीख को बजट पारित होगा, तब तक इसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बजट की जमकर तारीफ की और बजट को किसान, बागवान और गरीबों का हितैषी बताया। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।